हाई एवरी वन वेलकम टू ज्ञानम जैसे कि आपको पता अभी एस एस सी सी जी एल का एग्ज़ाम आने वाला है और हमने उसके लिए जी के सीरीज़ भी स्टार्ट की है इंग्लिश और मैथ सीरीज़ भी स्टार्ट किया विच यू कैन वॉच ऑन आर यूट्यूब चैनल अब हम जी uh, के की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आज स्टार्ट करीं विद हिस्ट्री इम्पॉटेंट क्वेश्चन इसमें एस एस सी सी जी एल का नाम है डेफिनेटली ये एस एस सी सी जी एल के लिए इम्पॉर्टेंट है बट अपार्ट फ्राम एस एस सी सी जी एल दिस वीडियो इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट एग्जाम्स एंड सेंट्रल एग्जाम जिस में भी जी के इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है अब इसमें आप पंजाब का मास्टर केडर ले लो फॉर एस एस टी जिसमें आपको हिस्ट्री चूज करना है या लेक्चर कैडर ले लो या फिर कोई भी स्टेट के अदर एग्जाम्स लाइक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एन एस एस सी सी जी एल डेफिनेटली सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदेश फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट द फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया इंडिया का सी रूट डिस्कवर करने वाली पहली कंट्री कौन थी तो इंडिया का सी रूट डिस्कवर करने वाली पहली कंट्री थी पोर्चुगल, ठीक है पुर्तगाल जो थी दैट वाज द फर्स्ट कंट्री ना ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो सकता है लेकिन एक्चुअली क्या रीजंस थे कि उन्होंने जो है वो सी रूट डिस्कवर किया ये हमारा यूरोप ये हमारा एशिया और ये जो है वो हमारा अफ्रीका का पोर्शन लगा लेते हैं हम ठीक है अब ना यहाँ कहीं पर बिल्कुल एज पे पुर्तगाल था फाइन तो पुर्तगाल जो है वो यहाँ से क्यों नहीं गया यहाँ इंडिया उसने इतना लंबा रास्ता क्यों चूज किया ठीक है सी रूट क्यों चूज किया सो बेसिकली यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था बीच में जो कि एशिया और यूरोप को ठीक से कनेक्ट होने नहीं दे रहा था जो कि बीच में एक हर्डल बन के बैठा हुआ था तो पुर्तगालीज ने जो है वो यहाँ से सी रूट ढूंढा वो पहले यहाँ से शोर के साथ, साथ साथ से जो है वो यहाँ पहुंचे केप ऑफ गुड होप यहाँ से वो थोड़ा ऊपर गए और मोजाम्बिक की, नाम की जगह से जो है वो यहाँ से इंडिया आए और इंडिया में भी वो केरला कैलिकट में पहुंचे एंड एंड हु वाज वाज दैट दैट फर्स्ट पर्सन टू रीच इंडिया इंडिया वास्को ही इन सो अठानवे में वो भारत पहुंचे कौन वास्को डिगामा ठीक है तो इसलिए उन्होंने सी रूट चूज किया ताकि आराम से आ सके सी रूट जो है वो कम खर्चीला होता है वैसे आजकल के टाइम पे हम देखें बट स्लो होता है थोड़ा ठीक है ये रास्ता जो देखो यहाँ घूम के आना पड़ना था लेकिन एटलीस्ट ऑटोमन एम्पायर जो था उसको हम छोड़ सकते थे उसका हमें यहाँ कोई डर नहीं था ठीक है सो याद रखना पॉर्चुगीज वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हमारे हिस्ट्री में स्पेशली इन मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है जब यूरोपियंस आ गए थे उसके बाद So, ये किसके बीच में हुई देखो बैटल ऑफ प्लासी जो है ना वो 1757 में हुई है 1757 में एंड दिस बैटल हैपन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला ना वॉज दिस सिराजुद्दौला दिस वॉज सिराजुद्दौला वॉज अ नवाब ऑफ बंगाल ये बंगाल के नवाब थे ठीक है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ने अंग्रेज इनके खिलाफ कैसे हो गए एक्चुअली इनको अपने किंगडम में लगता था कि अंग्रेज बहुत ही ना आते हैं बीच में मैं कुछ भी करने लगता हूँ बीच में अंग्रेज आ जाते हैं है ना मुझे कोई काम नहीं करने देते सो so, सत्रह में इन्होंने पहले फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे कुछ अंग्रेज मारे गए आपने सुना होगा ट्रेजिडी ऑफ ब्लैक होल ठीक है ब्लैक होल ट्रेजडी सत्रह में पहले सिराजुद्दौला ने अटैक किया था अंग्रेजों के ऊपर और उसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने नेक्स्ट ईयर वेरी नेक्स्ट ईयर इनके ऊपर अटैक कर दिया बैटल ऑफ प्लासी हुई और अंग्रेज जैसा कि हमेशा होता है डिवाइड एंड रूल वही यहाँ पे किया था सिराजुद्दौला को जो कमांडर था जो चीफ कमांडर था उसको मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इसमें सिराजुद्दौला हार गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल पहले थे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग और आपको पता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग के सबॉर्डिनेट भी थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास ठीक है तो तीन मेन प्रोविंसेस थी आपकी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास इसके अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे बंगाल के गवर्नर को जो है वो, उसके पास ज़्यादा पावर थी जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे द सबॉर्डिनेट्स टू गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे पहले वॉरेन हेस्टिंग क्वेश्चन आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय तो आर्य समाज आज भी है किसने फाउंड किया था आर्य समाज किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक है स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो कि आज आप स्कूल uh, सुनते हो डीएवी ठीक है दयानंद एंग्लो वेदिक उन्होंने स्कूल्स भी स्टार्ट किए थे उन्होंने एजुकेशन को भी मॉडर्नाइज किया ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया तो वो थे आर्य समाज के फाउंडर ठीक है जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश फर्स्ट आर्य समाज इन देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले आर्य समाज जो था वो बॉम्बे में इस्टैब्लिश किया था लेकिन वो इतना पॉपुलराइज नहीं हो पाया एंड लेटर आफ्टर टू ईयर्स उन्होंने क्या किया बॉम्बे से उसको शिफ्ट कर दिया टू लाहौर ठीक है तो पहले इस्टैब्लिश बॉम्बे में हुआ था फिर आर्य समाज को लाहौर में शिफ्ट कर दिया और जब लाहौर में शिफ्ट किया उसके बाद वो काफी फ्लरिश हुआ सो so, ये याद रखना कि बॉम्बे में पहले हुआ था लाहौर में बाद में हुआ था फर्स्ट इट वॉज इस्टैब्लिश इन बॉम्बे नेक्स्ट इज हु फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में हुई थी उसके बहुत सारे हमें पता है हर साल ही प्रेसिडेंट चेंज होते थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन थी तो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बसन हालांकि वो इंडिया नहीं थी वो आयरिश थी ठीक है आयरलैंड से आई थी शी वॉज एन आयरिश लेडी ठीक है और ये जो थी वो बनी थी नाइनटीन सेवेंटीन में 1917 में ये प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी थी ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के डब्ल्यू सी बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ठीक है द फर्स्ट प्रेजिडेंट जॉर्ज यूले जॉर्ज यूले वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेजिडेंट बदरुद्दीन जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट बदरुद्दीन जी वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ठीक है एंड uh, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजिडेंट रहे हैं जैसे कि दादा भाई नोरजी उन्नीस सौ छे में ठीक है उन्नीस अठारह सौ छियासी में भी बने थे उन्नीस सौ छः में भी बने थे उन्नीस सौ छः वाला जो है वो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है देन अगर हम बात करें महात्मा गांधी कब बने तो महात्मा गांधी उन्नीस सौ चौबीस में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट बने ठीक है एंड देन पहली महिला प्रेजिडेंट जो थी वो एनी बसंत थी लेकिन पहली भारतीय महिला प्रेजिडेंट जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी ठीक है सरोजनी नायडू जी थी और जवाहरलाल नेहरू अठा में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1938 में प्रेसिडेंट बने थे और उन्नीस की तो फिर कहानी ही अलग है उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट अगेन ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्ट हो गए एज प्रेजिडेंट लेकिन महात्मा गांधी के कैंडिडेट यहाँ हार गए पटाभी सीतारामैया जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे वो यहाँ हार गए जो कि महात्मा गांधी को ठीक नहीं लगा और महात्मा गांधी को वो आ, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नाराज नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उन्नीस में जीते तो सुभाष चंद्र बोस थे लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया महात्मा गांधी के पटाभी सीतारामैया भी प्रेसिडेंट नहीं बने फाइनली उन्नीस में प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद ठीक है तो ये स्टोरी है उन्नीस सौ उनतालीस आता है कई बार कि कौन प्रेसिडेंट में इलेक्शन जी इलेक्शन में कौन जीता था और फाइनली कौन प्रेसिडेंट बना और महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो कौन थे तो आपको याद रखना है और जब हम आजाद हुए थे 1947 में तो जेबी कृपलानी वॉज द आई प्रेसिडेंट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आई प्रेसिडेंट मैंने आपको बताए हैं ठीक है नेक्स्ट इज विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को सपोर्ट मिला तो वो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हम एनसीएम या फिर असहयोग आंदोलन भी कह देते हैं नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हुआ कि किसी मूवमेंट को हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया येस yes. और मैं आपको बता दूं भारत की बहुत बड़ी मूवमेंट थी ये इससे बड़ी मूवमेंट शायद ना तो डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए किसी ने की थी और ना आज तक हुई है उसके बाद ठीक है so, कैसे हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मुस्लिम कॉज था जो खिलाफत मूवमेंट थी वो चल रही थी जो रीज़न था वो खलीफा के खिलाफ जो था मतलब खलीफा के खिलाफ नहीं एक तरह से कहें अंग्रेज़ों के खिलाफ था कि वो खलीफ़ा को जो है वो उनका एम्पायर वापस करें टर्की में ठीक है तो मुस्लिम्स ने बेसिकली खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लीड किया और महात्मा गांधी ने पूरे भारतीयों को अपील किया कि सबको ये जुड़ना चाहिए इसमें तो हिंदूज भी उसमें जुड़े जब महात्मा गांधी ने अपील किया तो मुस्लिम पहले से थे हिंदूज बाद में और जुड़ गए और महात्मा गांधी की इंटेंशन भी यही थी कि जो मुस्लिम की जो ये मूवमेंट चल रही है इसमें हिंदुओं को जोड़ना मेरे लिए आसान है ठीक है अंग्रेजों के खिलाफ उल्टा होता तो शायद नहीं कर पाते सो so, इसलिए जो है ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट बनी जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो है वो हिस्सा बने बाद में खिलाफत मूवमेंट का ही नाम चेंज करके एन रख दिया था ठीक है ओके नेक्स्ट इज वि वाज़ द मेन कॉज ऑफ स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी 1942 नाउ द क्वेश्चन इज क्यों की थी रीजन क्या था तो रीजन क्या था रीजन वॉज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। दिस क्रिप्स भारत को प्लीज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारतीय रिवोल्ट ना करें और भारतीय साथ दें अंग्रेजों का वर्ल्ड वॉर टू में तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा स्टैंड फोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा भारतीयों को बनाने के लिए कहा कि हम आपको जो है वो डोमिनियन स्टेटस देंगे ठीक है हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को देंगे बट कब देंगे आफ्टर आफ्टर द द वॉर वॉर जब उन्होंने ये कहा after the war, तो हमने यानी आईएनसी ने ने और भारतीयों इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया ठीक है क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन फेल हो गया और जब हमें कुछ मिल नहीं रहा था इतने टाइम से तो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया क्विट इंडिया सो द मेन कॉज इज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन Who was the chairman of Cripps Mission? Stanford Cripps, ठीक okay? है? Which occurred, which came to India in 1942. Clear. Next is Mahatma Gandhi started his Dandi March from. Dandi March क्यों शुरू किया था? Dandi March वैसे इसका आंसर नहीं कर लेते हैं पहले साबरमती आश्रम. तो Mahatma Gandhi साबरमती आश्रम से गए थे कहाँ? Dandi डांडी नाम के विलेज में गए थे वहां मुट्ठी भर नमक उठाया और कहा कि मैं नमक कानून तोड़ रहा हूँ तो सॉल्ट कानून को तोड़ने के लिए ये किया था ये जो सॉल्ट कानून था ये तोड़ा गया इस ये नाइनटीन में हुआ था ठीक है और महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे इसमें और इस ये जो डांडी मार्च था दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे सिविल मूवमेंट हुई भारत में और जिसके कारण महात्मा गांधी को बाद में जो है वो जेल में डाल दिया गया था right? ये जो मूवमेंट थी वो अप्रॉक्स 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को जो है ये खत्म हुई थी डांडी मार्च 1930 में याद रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिमिलियेशन ऑफ तो खिलाफत में आपको अभी भी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट एक मुस्लिम मूवमेंट चल रही थी पूरी दुनिया में जिसमें टर्किश जो खलीफ थे खलीफा जिनको हम बोलते हैं उनका एम्पायर छीन लिया था अंग्रेज़ों ने और वहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश की जो कि वो कामयाब भी हो गए थे बाद में लेकिन खलीफा को उनका एम्पायर वापस दिया जाए इसके लिए पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स ने स्टार्ट की थी खिलाफत मूवमेंट और ये खिलाफत मूवमेंट भारत में भी शुरू हुई विच विच लेटर बिकेम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेन महात्मा गांधी केम टू दिस एंड यू नो उन्होंने लीड करना शुरू किया इसको पूरे दुनिया में खिलाफत मूवमेंट तो बंद हो गई लेकिन भारत में एन सी एम मूवमेंट जो है वो काफ़ी लंबी चली उन्नीस सौ बाईस तक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुब जिंदाबाद तो देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन इसी तरह से था तो मैंने ये ऐसे ही डाला है लेकिन असल में जो है वो एक उर्दू पोइट थे मोहम्मद हसीर ठीक है जिन्होंने ये इनकलाब जिंदाबाद का जो ये जो टर्म थी ये क्विन की थी लेकिन इसको पॉपुलराइज किया है भगत सिंह ने तो यहाँ पे तो उनका नाम ही नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर बनता है भगत सिंह राइट तो पॉपुलराइज किसने किया इन खिलाफ जिंदाबाद को भगत सिंह ने ठीक है नेक्स्ट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन अभी अभी बात की हमने कि जो सॉल्ट डांडी मार्च सॉल्ट कानून तोड़ा था वो जब डांडी मार्च शुरू हुई 1930 में तो इसी यही डांडी मार्च जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट कानून को सॉल्ट लॉ को तोड़ा तो वो बन गई सिविल डिस मूवमेंट मतलब सिविल लॉ को तोड़ा हमने तो हमने डिसओबे किया लॉ को तो डिसओबीडियंस मूवमेंट बनी और ये 1930 में ही हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के जो हमने डिस्कस किए विद एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए क्वेश्चंस तो इस तरह से और क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आल्सो एंड हिस्ट्री आल्सो तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए विद एक्सप्लेनेशन एंड विद मोर एक्सप्लेनेशन तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन राइट थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट